सभी हिंदुस्तान वासियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया किसी भी टीचर को गलत ना समझे। टीचर एज ए गॉड, टीचर एक गॉड के तरह मतलब तरह होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है। भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ठीक है। मैंने कुछ लाइन लिखी हैं अपने हिंदुस्तान के बारे में, जो लोग हिंदुस्तान में ही रहकर हिंदुस्तान के ही लोगों के लिए इतना गलत सोचते हैं, इट्स नॉट गुड। सो प्लीज़ टीचर का सम्मान करो। अगर हाँ उन्हें कुछ बोल भी दिया, कुछ पढ़ाते समय कुछ कह भी दिया, कुछ समझाते समय कुछ कह भी दिया, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है। भले ही वो उनका नाम अमित हो, एनीवे कुछ भी हो, उनका नाम कोई भी हो, हमें क्या करना, हमें क्या करना। हिंदुस्तान की एक ही कमी है, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, और अपने हिंदुस्तान की एक ही कमी है कि आपस में लड़ बैठते हैं, क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ताकि कोई नेक्स्ट पर्सन या कोई भी अब हिंदुस्तान या हिंदुस्तान वासियों के हिंदुस्तानी लोगों का मिस यूज कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। खान सर इज़ अ बेस्ट टीचर, जो हर एक सब्जेक्ट को उन्हें इतनी बारीकी से पढ़ाया है, हर एक विषय को इतने बारीकी से पढ़ाया है कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैंने आज तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं देखा है जो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री एंड जीएस साइंस का देख लेते हैं। साइंस का इतना जो क्या बोलते हैं, जो आज के ज़माने में कोई भी टीचर इतना ओपनली नहीं पढ़ाता है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हम तो इनको सैल्यूट करेंगे, ठीक है, और सैल्यूट करते हैं। खान सर इज़ द बेस्ट टीचर, भले मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हमें कुछ भी नहीं मतलब, किसी को भी कोई नहीं मतलब। देखो हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, ठीक है, और अगर हम आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे तो अच्छा है कि एक घर में, एक जैसे कि हमारा घर है, घर में कितने लोग रहते हैं, बहुत सारे, 4-5 लोग रहते हैं, और आपस में अगर विरोध करेंगे तो क्या होगा, घर टूटेगा। ऐसे हिंदुस्तान की बात है, हम भारत में रहते हैं तो कम से कम भारत के लोगों को गलत मत समझिए। हाँ जो गलत है उनको समझाइए कि ये ऐसा है, पर ये कहाँ से गलत लगते हैं, खान सर कहाँ से गलत लगते हैं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है। उन्हें जो कुछ भी बोला है वो मतलब जो कुछ भी बोला है एक पढ़ाया है उनने, ठीक है, और पढ़ाने में बहुत कुछ बोल देते हैं लोग, ठीक है, पढ़ाने में बहुत कुछ समझा देते हैं। मान लीजिए अभी उनने कुछ बोल दिया खान सर ने, ठीक है, तब तो इतने लोग इतना विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी को किसी ने क्यों नहीं बोला, महात्मा गांधी को जो आज लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी की जगह बाबा साहब की फ़ोटो होना चाहिए थी उस पर नोट पर, क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा अहम है अपने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब जो आज़ादी मिली है वो सबसे एम किसका है, मतलब इम्पोर्टेंट